अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हकान अली व्लॉग्स। तो भाई साहब, आज फिर हम निकले हैं, सारी टीम निकली है खाना खाने। तो आज अभी हम इस टाइम आए हुए हैं स्नैकीज़ के बाहर हैं खड़े हुए हम लोग, और हम यार यहाँ का फूड तो अभी हम फर्स्ट टाइम खुद भी ट्राई करने आए हैं, बट यहाँ की जो प्राइसेस हैं आप लोग देख के ना शॉक हो जाएंगे। तो चले चलते हैं आगे, अंदर जाके आपको जगह भी दिखाता हूँ और व्लॉग करते हैं और फूड आपको दिखाते हैं जी किस लेवल का। हम लोग इस टाइम अब वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर चुके हैं इधर, तो हम लोगों ने इनका स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और हम लोगों ने इनका चिकन फिले बर्गर ऑर्डर किया है। उसके अलावा हमने इनका पराठा रोल ऑर्डर किया है और फोर्थ आइटम थी, हमने कौन से ऑर्डर किया, पास्ता ऑर्डर किया है। तो अभी सब कुछ ट्राई करते हैं, आपको एक फुल आइडिया देते हैं यहाँ के फूड का। तो प्राइसेस तो आपने चेक कर ही लिए हैं, ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो खाने का वेट करते हैं। अच्छा जी, तो खाना फाइनली आ चुका है। इस टाइम हमारे सामने पास्ता पड़ा हुआ है, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, बर्गर पड़ा हुआ है, पराठा रोल पड़ा हुआ है, फ्राइज फ्राइज हैं भाई, बड़ा माहौल बना हुआ है, ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स हैं। और हमने जो सबसे मज़ेदार बात है, ये जितना ऑर्डर आप देख रहे हो ये 1000 के अंदर अंदर ऑर्डर किया है, जिसमें मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है, फुल पास्ता है, पराठा रोल है और बर्गर है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको खा के ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। स्टार्ट तो भी फ्राई से करना पड़ता है, तो चलें चलते हैं। सबसे पहले इनका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, जो इनकी मेन आइटम तो सारी हैं, बट मेरा पर्सनली आज पिज़्ज़े का मूड था, तो मैंने कहा चलो इनका सबसे पहले पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहले जी पिज़्ज़े की बारी है। पिज़्ज़े को चेक करो यार, इस पर कॉर्न डली हुई है, ऑलिव्स डले हुए हैं, मशरूम डला हुआ है, कैप्सिकम डला हुआ है, ऑनियंस हैं, चिकन है, चीज़ है, तो काफ़ी कुछ है भाई, काफ़ी लोडेड किस्म का बना हुआ है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को। ओह यार, रियली नाइस यार, काफ़ी फिट किस्म का है यार। मतलब अगर आप प्राइसेस देखें और आप पिज़्ज़े का स्टैंडर्ड देखें तो थम्स अप है भाई, बहुत फिट है, बहुत अच्छा है। और ऑनेस्टली मैं कहूँगा ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मेरे ख्याल में तो कमाल है यार।
चलें चलते हैं, बच्चों से जाके पूछते हैं बच्चों को कैसा लगा। बॉयज ट्राई करके बताओ फिर कैसा लगा। हाँ जी, फिर मिकल कैसा लगा? चीज के अंदर इतनी मोटी बड़ी सी लेयर मिल रही है, ऊपर मशरूम है, कैप्सिकम है, कॉर्न है, जबरदस्त। आप बताओ कैसा लगा? जबरदस्त। अब बात बारी है जी पास्ते की, चेक करो पास्ता ठीक है ना। तो भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, इसके ऊपर कॉर्नस हैं, ऑलिव्स हैं इसके ऊपर डले हुए, अंदर चिकन होगा और पास्ता होगा। पास्ता रियली नाइस यार, ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत मज़े का चीज़ी है, अंदर पास्ता डला हुआ है और चिकन है और साथ आपके सामने फिर दोबारा से एक दफ़ा मज़ेदार शॉट किस्म का, मज़ेदार किस्म का शॉट हो जाए। फिट हो गया ना। ओहो, वेरी नाइस यार। चले चलते हैं, बच्चों को ट्राई कराते हैं उनको कैसा लगा। लेट्स गो, खाओ और बताओ। गिराए बगैर खा के दिखाओ, इस तरह गिर जाएगा। हाँ जी बताओ कैसा लगा। इसके अंदर लेयर चीज की जिस तरह मिस्टर पिज़्ज़े ने लेयर थी, इस तरह भी लेयर है, अंदर मशरूम है, अंदर ऑलिव है, कॉर्न है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, जबरदस्त। पर हमारे मोहित को तो चीज़ वैसी बड़ी पसंद है। अच्छा जी, तो अब बारी आ गई है बर्गर की। तो बर्गर पिछले दिनों भी आपको दिखाया था, बड़ा बहुत बड़ा किस्म का था, ये उतना बड़ा नहीं है बट हाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा बर्गर है। तो यार फ्राइज बड़े अच्छे लग रहे हैं साथ इसके, क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा। यार मुझे पर्सनली इनका स्टैंडर्ड खाने का बहुत अच्छा लगा है, इनका पिज़्ज़ा पास्ता तो बहुत ज़बरदस्त था, बर्गर की बारी है तो देख बर्गर ये देखें जी, फुल बाहर निकला हुआ है और सॉसेज उसके अंदर से निकल रही हैं, बहुत हैवी किस्म का बर्गर है। तो चलें ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसा। ऑप्सी सॉस तो आपने चेक कर लिया, नीचे भी गिर रही है बर्गर के अंदर से, बहुत हैवी किस्म का। और यार क्रंच इसका बहुत अच्छा है और सॉस के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए। स्पाइसी है, मज़े का है। सॉस को हाल चेक करें, इतनी ज़्यादा सॉस है कि बर्गर जितनी मेरे हाथ में भी सॉस लग गई है। चले चलते हैं बॉयज से पूछते हैं उनको कैसा लगा, उनको ज़रा देखते हैं सॉसी सॉसी होते हुए। चलो ट्राई करो बर्गर बॉयज।
की सही। बहुत सॉफ्ट है ना। तो कैसा लगा बर्गर मोहित आपको? खा जो ना, आप ही का तो है, खा जो सारा खा जो। अच्छा जी, तो अब हमारी फाइनल आइटम आ गई है। इसके बाद हम स्वीडिश का कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो भी हमदारी बात है, कुछ ना कुछ तो मीठा खाना ही है। तो अभी फ़िलहाल हम आए एंड पे पराठा रोल खाने लगे हैं, तो मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। इनका पराठा रोल है तो देखते हैं कैसा है इनका पराठा रोल। बाकी तीनों चीज आइटम्स तो बहुत फिट थी और मस्ट ट्राई है। ये चेक करो जी, इसके अंदर चिकन क्या नाम है, इसके अंदर चिकन लेटर सॉस सारा कुछ अभी नज़र आ रहा है, इतना कुछ ही नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो बाइट लेते हैं फिर देखते हैं इसके अंदर है क्या कुछ। अच्छा है यार इनका ये भी, बट जो पहले तीन चीज़ें खाई हैं ना वो बहुत हैवी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर उनके हिसाब से ये चीज़ देखा जाए तो ये चीज़ उतनी ज़बरदस्त नहीं है, बट हाँ प्राइस के लिहाज से गुड है, ज़बरदस्त है। चिकन फुल भरा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो चिकन और लेटस है और बाकी सॉस ही है, यही चीज़ें इसके अंदर जो नज़र आ रही हैं वो यही चीज़ें हैं। तो चल चलते हैं बॉयज़ को ट्राई कराते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा जी बच्चों, फिर बताओ ट्राई करके तो आप लोगों को कैसा लगा शुआरमा? शुआरमा नहीं, पराठा रो। सॉफ्ट है, आप लोगों को पसंद आया? ज़बरदस्त जी, बॉयज़ को तो बहुत पसंद आया। तो चले यार फिर चलते हैं, ज़रा हम खा पी लें फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हमारे पास इनकी थोड़ी स्पेशल वाला वर्जन है, ये इनकी है जी चॉकलेट ब्राउनी के साथ, इनकी आइसक्रीम का स्कूप है जी, कोन है बल्कि। तो चले जी देख करते हैं इसको भी। ब्राउनी का मसाला आइसक्रीम के साथ ही आता है फिर। क्या लेवल की बाइट बनी है, गुड है यार, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो फाइनली खाना हुआ एंड। यार खाना बहुत मज़े का था और काफ़ी इन्जॉय किया हम सारों ने, क्यों बॉयज? हाँ, तो खाना हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उनके मुंह में आइसक्रीम है इस टाइम, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो ये है कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, प्राइसेस आपको स्क्रीन पे आ गई होंगी सारी चीज़ों की। तो मेरा ख्याल है जो प्राइस रेंज के जो टेस्ट का रिव्यू है वो फीडबैक है, वो प्राइस को जेन में रख के टेस्ट को बताया है कि उस प्राइस रेंज में किस तरह का, क्योंकि और जगह भी हैं इस तरह की जो मतलब इन प्राइस रेंज, वैसे इस प्राइस रेंज का तो मैंने नहीं देखा वो, मतलब कुछ जगह मतलब जिसकी प्रॉपर सीटिंग प्लेस हो इतनी अच्छी बनी हुई और उसका इस तरह का खाना हो। तो ये है कि मेरा ख्याल है ज़रूर ट्राई करें, थम्स अप है इस जगह के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।